आपको ये बिजनेस में सबसे पहले आके क्या करना है, अपने आपका बुकिंग करना है। दूसरा, हाँ जी बुकिंग करने के बाद हमारी जो भी हमारे अपलाइन ने आपको मैसेज भेजे हैं वो वीडियो को सही में देखना है। दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार आपने अलग अलग ये रॉयल इंटरनेशनल चैनल के ऊपर जो प्लान दिखाया गया है ना, वहां पे लेटेस्ट प्लान है, तो या ज्यादा जिन्होंने प्लान देखे हैं वो भी आप देख सकते हैं। वो प्लान ज्यादा देखे देखे हैं, जैसे हमारे सन्नी कामले जी का है, हमारे अपने सलीम जी का प्लान है, हमारे विक्रम रावत जी का प्लान है, ऐसे ऐसे जबरदस्त सारे लीडर जबरदस्त है। ऐसे लीडर्स का प्लान देखेंगे तो आपको ये बिजनेस पहले सीखना है। जो आप सब लोग क्या करते हैं, नए लोग आते हैं उनके दिमाग में क्या है, चलो मैंने ज्वाइनिंग कर लिया तो पैसे आना शुरू हो जाएगा, क्लब होना शुरू हो जाएगा। वहां पे आपका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले काम हमारा किया, हमें किसी भी हाल में हमें तीन करना है। तीन करने के बाद उनका हमें डुप्लीकेशन कराना है, तीन हर एक लोगों को, तीन तीन को। अच्छा, कितने लोग ऐसे करते हैं जो स्मार्ट होते हैं हमारी तरह, तो वो क्या करते हैं कि अपने मेरे खुद ना खुद का मैंने ज्वाइनिंग कर लिया तो मैंने अपने नीचे अपने तीन अपने घर के ही कर लिए, उस समय पे कर लिए थे। तो वहां पे मेरी मिसिस की आईडी, मेरे लड़के की आईडी और मेरे दूसरे लड़के की आईडी, तो आज जो दोनों आईडी के ऊपर सीएससी सीएमसी बन रही है और वहां से मुझे लाखों की इनकम, यानी कि अभी मेरे मिसेस की आईडी से 3-4 लाख की इनकम आई है, मेरे लड़के की आईडी में 2.5-3 लाख रुपए की इनकम आई है। तो ये दोनों की इनकम इसलिए आती है, वो हमारे घर में है तो हम नीचे काम कर शुरू करते हैं तो वहां से हमारी इनकम आना शुरू हो जाती है। फिर आपको क्या करना है, पहले सी पहला हमारा सिल्वर कोऑर्डिनेटर आता है कि किसी भी हाल में एक तय करना है कि हमें इस महीने के अंदर मुझे सिल्वर कोऑर्डिनेट कंप्लीट करना है। तो सिल्वर कोऑर्डिनेट कंप्लीट करने के लिए 12 लेफ्ट और 12 राइट, तो आपको कम से कम 12 लेफ्ट 12 राइट करेंगे तो 5,100 की आपको मिलने वाली है। उससे पहले जो आपने अभी रूपांजल जी एक प्रश्न किया, आपका तीन हो गया है, कंप्लीट हाँ हो जी गया सर, है, अच्छा यस सर, ओके वेरी गुड। नहीं तो कितने लोग क्या करते, कंप्लीट तीन नहीं करते। हमने अच्छा देखा है स्टार्टिंग में कितने लोगों ने भूल भी की है, प्लान नहीं देखा है। जो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो बात आपको अपने टीम में भी बतानी है, अपने जो भी लोग नए ज्वाइन होते हैं ना, इनको हाँ ये जी बात सिखानी है। मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो आपको उनको बतानी है। तो वो जब अपना तीन तीन कर लेंगे, तीन करने के बाद ही हमारा बिजनेस स्टार्टअप होता है, तब तक हमारा बिजनेस स्टार्टअप नहीं होता। और ये पहले हमारे दिमाग में बिठा देना है कि ये कोई लॉटरी की टिकट नहीं है कि हमने यहाँ पे टिकट ले ली तो हमें इनाम लगने वाला है। यहाँ पे 100% वर्किंग प्लान है, 100%। जैसे हमारा, ओके आप अपना अनम्यूट कर दीजिए, मुझे आवाज आ रही है। जैसे हम अपना दुकान चला रहे हैं या नौकरी पे जा रहे हैं, तो कैसे हम काम करते हैं, सुबह में जाते हैं शाम को आते हैं। सुबह में मान लीजिए का किसी भाई की दुकान है हमारे एरिया में रहती है, करियाना की दुकान है, मेडिकल स्टोर है, कोई भी दुकान, तो वहां पे आप देखिए वो क्या करता है पैसे कमाने के लिए। सुबह में 7 बजे दुकान ओपन करता है, रात को 9 बजे बंद करते हैं, तो वहां पे बैठे बैठे ग्राहक का इंतजार करता है, मैसेज भेजता है, जो भी कुछ जो करना है वो कर रहा है। तो उनके करने के बाद उनको इनकम मिलती है, तो यहाँ पे भी हमें वो करना है, उनके सिस्टम को सीखना है। हमारी पहली सिस्टम कौन सी है, पहले हमें लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने से पहले तो हमारा ड्रीम कि हमें आज हमारे विक्रम जी ने जो आज की वीडियो भेजी थी, क्यों और कैसे, बहुत जबरदस्त उन्होंने समझाया था। आप एक बार, सब लोग एक बार देख लीजिए, आप निराश से देख दीजिए कि वो क्या कहना चाहते, क्यों मालूम होगा ना तो कैसे करना वो आसान हो जाएगा। वो तो बस क्यों है ना, 90% क्यों है, 10% कैसे है, 90% क्यों करना है। आज हम आपसे बात करें, हमें पता है कि 4-5 साल के अंदर यहाँ से हमें करोड़ों रुपए कमाना है, क्यों हमारा फाइनल है, वाई वाई क्लियर है। तो वैसे आपको पहले वो तय कर लेना, आपका सपना क्या है, क्यों मुझे ये बिजनेस करना है, फिर उनके ऊपर आपकी लिस्ट बनानी, लिस्ट बनाने के बाद उनको आमंत्रण कर देना है, आमंत्रण देने के बाद उनको प्लान दिखाना है, तीसरा कदम होता है। प्लान दिखाने के बाद वो जब अपना प्लान देखने के बाद बोलते हैं बहुत ही जबरदस्त है ना, तो प्लान देखने के बाद वो जब डिसीजन करता है, उनको फॉलोअप कहते हैं, वो फॉलोअप लेना है। फॉलोअप लेने के बाद वो इस बिजनेस में ज्वाइन करता है, तो उनके पास से 2550 निकाल के उनको एप्लीकेशन के बारे में सारी बातें सिखाना है। सिखाने के बाद अब वो उनको बिजनेस कैसे कराना है, वो सारी डिटेल उनको देनी है।
वह डिटेल के अंदर वो जूम मीटिंग में कैसे ज्वाइन करना है, जूम मीटिंग में कैसे आना है, वो सारी बातें हमें उनको सिखानी है। तो ये सारी बात हमारी बिजनेस में, जो यहाँ पे एमएलएम इंडस्ट्रीज नहीं है दोस्तों, ये कॉर्पोरेट कंपनी है। कॉर्पोरेट कंपनी का कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उनको फॉलो करना है। जैसे अभी अभी हम बार बार बात कर रहे हैं कि जब हम ज्वाइंट होकर अपना आईडी बुकिंग करते हैं तो तुरंत ही हमें अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, हमारे पान कार्ड आधार कार्ड जो भी है वो अपडेट करने हैं, तो करने हैं। तो कितने लोगों का अभी लोगों का फोन आ रहा है कि सर मेरा इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है, लेकिन उन्होंने प्रोफाइल वहां पे नहीं रखी थी। तो मैनेजमेंट क्या करता है वहां पे, जो मैनेजमेंट होता है, आज मुझे बात बताई थी पूजा मैडम ने कि दिनेश जी यहाँ से हम क्या, हम सारे सर्विस वाले, हम देख लेते हैं जिनका प्रोफाइल कंप्लीट है, जिनका पान कार्ड कंप्लीट है, उनको हम तुरंत ही वहां पे इश्यू कर देते हैं कि चलो इनका कंप्लीट है, पान कार्ड भी सही है ना, प्रोफाइल भी सही है, दोनों में सही। कितने में ऐसा हुआ है कि पान कार्ड सही है, प्रोफाइल में एक आंक जो जीरो होता है वहां पे वो कर दिया है, पान कार्ड के नंबर पे ऊपर वो आता है ना, वहां पे जीरो कर दिया है। ऐसी भूल के कारण ही उनका इस साल का टीडीएस नहीं मिला है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े लीडर के साथ हुआ है। तो यहाँ पे वो सिस्टम कैसे स्वीकारेंगी, वो तो हम फिर तो ये साल चला जाता है। वो जब तक हमारा मार्च महीने के पहले, ये थोड़ी मैं बात निकली इसलिए आपको बता लो, मार्च महीने से पहले हमारा ये प्रोफाइल वो सारी कंप्लीट होगी तभी हमें टीडीएस का जो पैसा हमारा कट रहा है वो हमने मिलने वाला, नहीं तो नहीं मिलेगा दोस्तों। ओके, अभी ये जो सारी बात तो रूपांजलि से बात कर रहा था बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद, फिर हमें सीखते सीखते 90 दिन तक सीखते जाएंगे। पहले सिल्वर कोऑर्डिनेटर का टारगेट लेंगे, फिर सीएससी का टारगेट लेंगे, सीएससी हमारे साइड में दोनों में, दोनों साइड में एक एक हो जाते हैं, तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये 100% डुप्लीकेबल करना, डुप्लीकेबल होगा तभी आपके पास इनकम आने वाली है दोस्तों। डुप्लीकेशन कैसे होगा, डुप्लीकेशन करने के लिए उनको हमें सिखाना पड़ेगा, उनको मीटिंग में लाना पड़ेगा, आपको वहां पे जाना पड़ेगा। लेकिन अभी जो भी हुआ है वो क्या हुआ कि कोरोना की वजह से हम अपने घर से बाहर नहीं जा सके। आज कितने भी लीडर्स हमारे राजकोट में भी है, हमारे जूनागढ़ में है, जामनगर में है, हम जाना चाहे कितनी बार तय भी किया तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया है। और वहां पे जो देखिए आप कि हमारे राशिद जी के वहां पे वो गांव में है, तो वहां परिस्थितियां अच्छी है, तो वहां से वो लोग मीटिंग कर रहे हैं, 1-to-1 लोगों को मिल रहे हैं, सेमिनार भी ग्रुप में 5-10-15 लोगों की मीटिंग कर रहे हैं, तो वहां से आज रिजल्ट मिल रहा है। वैसी परिस्थिति मेघालय में है। आज मेघालय में देखिए अब हमारा 70% बिजनेस अभी मेघालय से आ रहा है, हमारी टीम से मेघालय से 70% कंपनी का 70% बिजनेस वहां से आ रहा है, क्योंकि वहां पे कोरोना है ही नहीं, वहां पे इतनी जहां पे यहाँ जो परिस्थिति वहां नहीं है, तो ये परिस्थिति है। तो अभी जब तक हम ना निकले तो हमें पहले सीख लेना है। जो आपका फोकस अगर यहाँ पे होगा ना कि ये वहां पे खोल खोल के देखते चलो हो गया हो गया हो गया, वो आपको अभी समझ में नहीं आने वाला दोस्तों। मैं आपको एक सच बात बताऊं, एक साल के बाद हमारी समझ में नहीं आता तो हमने सर को पूछा था कि सर ये क्या है, काम चल रहा है। आज मैं देखो, मैं भी आपकी तरह ज्वाइन हुआ था तो ए में से बी क्लब में आया, बी में से सी में आया, सी में से डी में, डी में से ई क्लब में आज पहुंच गया हूं। लेकिन ई क्लब के अंदर पहुंचने के बाद तो ये क्या बताता है, ई क्लब में पहुंच गया हूं तो ये बता रहा है कि सिस्टम, एआई सिस्टम अपना काम कर रही है। लेकिन वो कैसे काम कर रही है वो हमारे दिमाग के बाहर है, मानव वो गणतरी कर ही नहीं सकता है दोस्तों। 70% अपनी टीम से बिजनेस लेता है और 30% हमारी बाहर से बिजनेस आता है। तो मैंने आज एक वीडियो डाला था, सबने देखा होगा, अभी दिनेश भाई ने थोड़ा आपको डिटेल में बताया कि जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होता है ना, तब तक हम किसी भी बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। विजय क्लब में या जो भी व्यक्ति मीटिंग में आया है उसका थोड़ा बहुत वाई क्लियर होगा, हुआ होगा। इस वीडियो में मैंने बताया है कि जब आपका वाई क्लियर होता है, आपको सिखाना नहीं पड़ता कि बिजनेस कैसे करना, सिर्फ आपके मन में होना चाहिए कि मुझे क्यों करना है, तो आप सारे रास्ते ढूंढ निकालोगे। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जब मैं डॉक्टर बना था और मैंने 3 साल प्रैक्टिस की थी, 94, 95, 96 की बात है, रसिक भाई हम दोनों साथ में डॉक्टर बने थे,
मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस की, इसके बाद मुझे लगा कि मेरे गांव में मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मेरा जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उस टाइम मैंने एप्लीकेशन किया कि मुझे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करना है। वो 97 का साल था और वो महीना था जुलाई, जुलाई का एंड था, दो तीन दिन बाकी थे। उसमें हमारे गांव में जबरदस्त बारिश हुई। उस टाइम मेरे को इंटरव्यू में बुलाया गया था। मेरा गांव बायड में है, बायड मतलब अरवली डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में, और मुझे जाना था आनंद, जो अमूल डेयरी वाला सिटी है ना आनंद, वहां पे जाना था। बारिश शुरू हो गई, मैं बस में बैठ गया, थोड़ा आगे बढ़े और रास्ता बंद, रास्ते में पानी भरा था, बस भी आगे नहीं जा सकती। फिर सारे लोग उतर उतर के आगे चलने लगे, क्योंकि वो डीप था, लगभग 200-250 मीटर का, तो उसमें हम आगे चलने लगे। मैं भी नीचे उतर गया। मैंने सोचा कि अब बस तो जाने वाले नहीं, मुझे तो आगे जाना है, मुझे कल इंटरव्यू देना है, वो पक्का है, कैसे भी जाऊंगा। तो मैंने अपना बैग है ना सर पे रखा, कपड़े वाली बैग, वो लेके मैं चलता आगे निकला। वहां आगे गया तो एक गाड़ी वाले को जाना था बायड की ओर। मैंने बोला भाई यहाँ तो इतना पानी है, डेढ़ डेढ़ दो दो फीट पानी है, आप नहीं जा सकते, आप वापस करो। तो उन्होंने गाड़ी वापस की। इसके बाद मैं वो गाड़ी में, मैंने बोला मेरे को आनंद की ओर जाना, बोला बैठ जाओ, मैं उसमें बैठ गया। आगे जाते जाते हम लोग पहुंचे मेहमदाबाद। मेहमदाबाद तक वो गाड़ी चली, इसके बाद रास्ते बंद। और वहां से नड़ियाद जो था वो करीब 20-22 किलोमीटर होता है। जब हम मेहमदाबाद पहुंचे नाइट हो गई थी। इसके बाद नड़ियाद से सारी ट्रेन बंद थी, क्योंकि रेलवे के पाटा जो था उसके ऊपर पानी चल रहा था। फिर हम लोग नाइट रुके, दूसरे दिन सुबह ट्रेन का वेट किया, नहीं हुआ। सारे लोग रेलवे के ट्रैक पे चलने लगे, तो मैं भी मेहमदाबाद से रेलवे ट्रैक पे चलने लगा। मेरी बैग का हैंडल टूट गया, तो जैसे वो आप लोगों ने देखा था मजदूर लोग अपनी बैग सर पे रख के चलते हैं, वैसे मैंने भी सर पे रखी बैग और चलता रहा। 20 किलोमीटर में चला पूरा दिन। इसके बाद वहां पे पहुंचा नड़ियाद। नड़ियाद पहुंचने के बाद वहां से रास्ते खुले थे, बस में बैठा और मैं पहुंचा आनंद। आनंद पहुंचने के बाद, तब तो मोबाइल मोबाइल कुछ था नहीं, ये 22-23 साल पुरानी बात है। फिर मैंने लैंडलाइन से फोन किया कि मुझे इंटरव्यू के लिए आना था, लेकिन अभी मैं पहुंचा हूँ, अब आप बोलो तो अभी इंटरव्यू के लिए आ जाओ। बोले नहीं कल आना, इतना चल के आए हो। फिर दूसरा दिन मैं गया। अब सोच लो कि इतना चल के आने वाले व्यक्ति को कोई रिजेक्ट कर सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरा तो इंटरव्यू 100% सिलेक्ट हो गया। मुझे राजकोट में जॉब मिली। मैंने 2 साल राजकोट में वहां रह के जॉब की। मैं ये सब क्यों कर पाया? क्योंकि मेरा वाई क्लियर था। मैं इतना चल के क्यों गया? मेरा वाई क्लियर था। मुझे क्यों नौकरी करनी है, मुझे क्यों जाना है, वो क्लियर था। जिस दिन आपका वाई क्लियर हो जाएगा ना, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपके सारे कंप्लेन दूर हो जाएगी, वीजीएफ में भी लोग आपकी बात मानने लगेंगे और सब अपने आप होने लगेगा। तो ये मेरा आपको रियल स्टोरी बताने का इंटेंशन था। दूसरी बात, कल मैं एक और एक वीडियो डाला है जो आपको सुबह 7 बजे देखने को मिलेगा, जिसमें है बिना सीखे ऑपरेशन, सब्जेक्ट का नाम है। मैं जो भी वीडियो आपको बना के देता हूँ वो वीडियो मैं अपनी भाषा में बनाता हूँ और नॉर्मल लैंग्वेज में, कोई हाई फाई लैंग्वेज नहीं है विवेक बिंद्रा जैसी, लेकिन मैं जो भी आपको बताऊंगा वो स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा, तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है? तो आज का वीडियो जिसने नहीं देखा जरूर देख लीजिए, और कल सुबह 7 बजे आप जरूर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि वीजीएफ में जो भी व्यक्ति सफल हुआ वो क्यों हुआ, और जो निष्फल हो गया वो क्यों हो गया, और भविष्य में सफल होना है तो हमें क्या करना होगा। ये सारी बातें मैंने कल के वीडियो में कवर की है। जो व्यक्ति अभी तक वीजीएफ क्लब मतलब रॉयल इंटरनेशनल में वो नहीं किया है, क्या बोलते हैं, अपना सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो नहीं डालता, कभी सुबह कभी शाम कभी दूसरे 2 दिन के बाद, जैसे जैसे मुझे सब्जेक्ट याद आता है मैं वैसे वैसे वीडियो डालता रहता हूँ, ठीक है? तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसमें लग जाइए और सारे वीडियो पुराने भी देख लीजिए। ये 90 दिन तक मेरा वीडियो आपको मिलता रहेगा। जब तक लोकल मार्ट नहीं आ जाएगा तब तक मैं 90 वीडियो कंप्लीट करने वाला हूँ, और मैं जो भी बातें बताऊंगा रियल एक्सपीरियंस की बातें होगी, कोई हवा हवाई बात नहीं होगी,
ठीक है, और सारे वीडियो के अंत में VGF क्यों करना चाहिए वो मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। ओके।